धमाकेदार लगती हूँ, बेमिसाल लगती हूँ, कहते हैं दुनिया वाले सुपरस्टार लगती हूँ। सत श्री अकाल जी, अज ये जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मेरे सोंग नूं लैके सी, क्योंकि अज मेरा गाना सुपरस्टार रिलीज़ किया ते अज सारा मीडिया आया। थैंक यू सो। सॉन्ग हिंदी पंजाबी मिक्स बनाने का मोटिव ये सी कि जिहड़े लोगों नूं पंजाबी घट आती है जां समझ नहीं आती वह भी मेरे सॉन्ग नूं इंजॉय कर। स्पैशली ये गाना गर्ल्स लई है क्योंकि एवरी गर्ल इज़ अ सुपर स्टार ब्यूटीफुल, उन्हां लई स्पैशली ये गाना हैगा। तो ये गाना शूट होया वैनकूवर अलग अलग लोकेशन से, इस नूं शूट किया नवराज राजा जी ने, तो जिहड़ा ये सॉन्ग लिखिया वो सी ए रुद्रा जी ने। उन्होंने सानू मुखड़ा सुनाया सी, धमाकेदार लगती हूँ बेमिसाल लगती है, सिर्फ मुखड़ा सुनाया सी, बाकी का जिहड़ा सॉन्ग हैगा कंप्लीट किया वो अमरजोत भसीन जी ने किया। और इसका रॉकिंग म्यूजिक जो है राकेश वर्मा जी ने बॉम्बे जिहड़े रहिंदे उन्होंने किया। तो एवरीबडी थैंक यू सो मच, तुसीं मैनूं इन्ना प्यारा सॉन्ग दिता, इन्ना रॉकिंग म्यूजिक, इन्ना मैं कह सकती हूँ कैंट वाला वीडियो नवराज राजा जी ने किया और अमरजोत भसीन जी ने सारा ये प्लान किया कि किदा का सॉन्ग होना चाहिए, इसका म्यूजिक, इस वर्डिंग और इस स्टाइलिंग किस तरह की होनी चाहिए, उन्हों का भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं। नहीं, रीज़न इज़ दैट के आफ्टर मैरिज मलिका बहुत ज़्यादा स्टक हो गई, पर यह नहीं सी कि वो भी मैं ये प्रोफेशन छड़ना, लेकिन आफ्टर मैरिज लेडी ले किन्नियां मैं की कह सकती कि रिस्पोंसिबिलिटीज़ हो जांदियां ने, कि आफ्टर मैरिज प्रेफरेंस उस लई उसकी फैमिली हो जाती है। बहुत घट लेडीज़ इदा दियां हैगियां ने जिहड़ियां आफ्टर मैरिज भी अपने करियर नूं और अपनी फैमिली नूं नाल लैके चलदियां ने, जां उहनां लई इह बहुत ईजी हुंदा, पर हर एक लेडी लई नहीं ईजी हुंदा मैनूं लगदा। इदां वह बिजी हो गई अपनी फैमिली च, वो इंजॉय करी अपनी फैमिली ते, बट उहदियां बेस्ट विशेज मेरे नाल ने। हाँ जी, डिप्रेशन मैनू इस करके हो गया सी कि मलिका दी मैरिज तो बाद मैनू फील होण लग गया सी मैं इकली होगी, क्योंकि ये कैरियर असी दोनों ने स्टार्ट किया सी, जिन्नियां भी अप्स डाउन हर एक इंसान दी लाइफ च आंदे ने साडी लाइफ विच भी आई हैं, पर वो असी फेस इकट्ठा नहीं कीतियां, चाहे वह कंपनी नूं लैके सी जां कुछ लोगों नूं लैके सी, वो जिहड़ा सफर सी असी इकट्ठा तय किया सी, तां उसकी मैरिज तो बाद मैनूं लग्गिया कि मैं बिल्कुल इकली रह गई हाँ, मैं बहुत उहनूं मिस किया। मैनूं इदां फील हुंदा सी जिद्दां कि जिद्दां अपनी बॉडी का कोई पार्ट कट दिता जाता, मैं इस तरह फील किया। बट हौली 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 इस डिप्रैशन तो मैं 4 साल लगे इस डिप्रैशन तो बाहर आने लई, ते अज मैं बिल्कुल ठीक हैगी हाँ। कि यह नहीं सी कि असी जे अलग हो गए जां उहदे पिछे कोई असी साड़ी कोई लड़ाई हुई है जां कोई तू तू मैं मैं हुई है, नहीं इदां दा कुछ नहीं। हाँ, मलिका अपनी मैरिड लाइफ इंजॉय कर रही है, वह बिजी आ उस लाइफ दे विच, तां फिर मैं कहा नहीं मैं होर वेट नहीं, मैं मलिका दी 4 साल वेट की, फिर मैं कहा नहीं हुण जे मैं होर वेट करांगी तां टाइम बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगा, तो फिर मैं फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं आई विल डू अलोन। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।